स्वागत है आज के इस वीडियो में। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की आज वीडियो बनाई जा रही है एनसीईआरटी पैटर्न से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा रहा है जिसमें ये वीडियो भाग वन बनाया जा रहा है। इस भाग वन में आपको क्या मिलेगा इसके बारे में पहले समझ लीजिए। एक एक अंक के जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं प्रोबेबिलिटी से, उस क्वेश्चन को मैं आज बताने वाला हूं जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। उसके साथ हल भी हम देने वाले हैं जो बहुविकल्पी व अति लघुत्तरी से ज्यादातर पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद भाग टू बनाया जाएगा और भाग तीन बनाया जाएगा। भाग टू में जो दो अंक और पांच अंक के आते हैं वो बनाया जाएगा। भाग तीन में आठ अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं वो बनाया जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए होगा। तो इन दोनों के लिए अगला वीडियो अभी बनाया जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन बहुविकल्पी अति लघुत्तरी इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और हम बताना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ए बराबर 4/5 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/10, तो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? बी बाई ए का मान। अब देखिए चार ऑप्शन भी आपको दे रखा है, इसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, आप आसानी से लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बी बाई ए का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, अगर ये ए नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू और ये, तो इसकी वैल्यू है 7/10, ये हो जाएगा 7/10 अपॉन इसकी वैल्यू है 4/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 दो बार में, और ये हो जाएगा 7/2 बार में, ये कट जाएगा 4 × 8, 7/8 आ गया इसका आंसर। मतलब 7/8 सी नंबर आप टिक कर सकते हैं। तो टिक नहीं करना है आपको, आपको उत्तर लिखना है। इसके लिए आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में उत्तर सी, जो कि 7/8 दिया गया। इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको पूरे पूरे फुल मार्क्स मिलेगा। और ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन किया ये रफ कार में आपको करना है, जो भी मैंने किया ये रफ कार में करना है, आपको उत्तर इस तरह से लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू 7/13 और बी की वैल्यू है 9/13 तथा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हमें दिया गया है। इस तरह से तीन वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए डैश, देखिए यहाँ पे डैश है, ए डैश बाई बी का मान होगा। अब ए बाई बी डैश का मान इसमें से हमें ज्ञात करना है कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन इसका अगर फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर लेंगे, नहीं याद होगा तो आप एक नंबर यहाँ पे छोड़ देंगे। तो चलिए इसको हल करके हम बताते हैं कि आपको कैसे करना है। ये जो हल करना है ये आप रफ कार में कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ए डैश अपॉन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसका भी फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन टोटल के अपॉन प्रोबेबिलिटी बी, ये होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला और नीचे जो मान है। तो यहां पे हम सभी का मान रखना शुरू करेंगे। प्रोबेबिलिटी बी का वैल्यू दिया गया 9/13, ये हो गया 9/13, माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, देखिए क्या है, वह है 4/13, तो ये लिख लेंगे माइनस 4/13, टोटल के अपॉन प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू है 9/13, ये हो गया 9/13, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 13 एलसीएम हो जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे 5 हो जाएगा, 5/13 / 9/13, 13 से 13 को कैंसिल कर लीजिए, हमारा आ जाएगा 5/9, ये हो गया 5/9। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, 5/9 डी में सही है, तो आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में उत्तर डी, और आंसर क्या है 5/9 लिखना है। और ये चीजें आपको रफ कार्य में करना है, यहां पे नहीं करना है। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी बी बराबर 4/9, तो प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए भी तो कोई फॉर्मूला होता होगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी का फॉर्मूला आप नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। हो सकता है बस इसके मान को चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है।
तो प्रोबेबिलिटी ए डस इंटरसेक्शन बी डस, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए डस इंटरसेक्शन बी डस बराबर वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन ए यूनियन बी का मान हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तब कैसे रखेंगे? इसके लिए हमें ए यूनियन बी का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। इसके बाद सभी का वैल्यू रखना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ए, इसकी वैल्यू क्या है? यह है 3/5, यह है 4/9, ठीक है। इन दोनों का मान उठा के हम रख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/5 प्लस 4/9, ठीक है। 3/5 प्लस 4/9 माइनस करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी वैल्यू हमें दिया गया है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 4/9। यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू तो दिया ही नहीं गया है, हमें रखना कैसे है? तो यहां पे जो वैल्यू रखना है कैसे रखना है मैं यहां पे साइड में बता देता हूं। आपको बता दें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ये होता है फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहां पे ये वैल्यू हम रखेंगे, ए और बी दोनों की वैल्यू दिया है, इन दोनों को गुणा में रखेंगे 3/5 गुणे 4/9, ठीक। ये प्लस में हमें दिया गया है और ये इसका फॉर्मूला गुणा में हो गया, मैंने रख लिया। रखने के बाद अब हल करेंगे, ठीक। हल कैसे करेंगे ये देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस ये एलसीएम ले लेंगे, टोटल का एलसीएम हो जाएगा 45, तो ये हो गया एलसीएम। फिर यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा 3 में गुणा कर लेंगे, ये 27 प्लस 20 माइनस 12, ये हो गया, ठीक। इसके बाद 1 माइनस इन टोटल को दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 35/45, इस तरह से हो गया। 45 का गुणा करके 35 में घटा देंगे, ये हो जाएगा 10/45, 10/45 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/9। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या 2/9 कहीं दिया गया है। ये देखिए डी में दिया गया है, तो हमें टिक नहीं करना है, हमें लिखना है उत्तर, उत्तर डी, और क्या है 2/9 दिया गया है। तो इतना आपको लिखना है और ये जितना भी झंझट मैंने यहाँ पे किया ये सारा का सारा आपको रफ्तार में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां से हम अति लघुत्तरी अब बताना शुरू करेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी थे मैंने हर एक क्वेश्चन को अलग अलग कैटेगरी द्वारा बता दिया है, लेकिन अब बताएंगे अति लघुत्तरी जो एक एक अंक के पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए, आपको पता चल गया कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। यदि प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.5 दिया है और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दिया गया है, हमें ज्ञात करना है ए बाई बी। तो पहले हम लिखेंगे हल और हमें क्या क्या दिया वो लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी बी बराबर लिखा है 0.5 की वैल्यू और यहां पे ए इंटरसेक्शन बी इसका मान है 0.32। जो जो दिया मैंने यहां पे लिख लिया कि ये दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। तो इसका फॉर्मूला आता होगा, अब कैसे फॉर्मूला भी याद करना ये भी समझ लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का मतलब दोनों में संबंध क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ के लिए अपॉन अगर हर में बी है तो लगाएंगे प्रोबेबिलिटी बी, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसमें हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32 अपॉन इसकी वैल्यू है 0.5। बहुत लोगों को यहां पे प्रॉब्लम होती है कि हमें इसको भाग कैसे देना है, ठीक है। यह भी समझ लीजिए, दो स्थान पे दशमलव है, यहां पे एक स्थान पे है, तो दो स्थान पे जीरो नीचे ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32, यहां पे एक स्थान पे तो ये हो जाएगा 50। इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 16/25, मतलब 2 से मैंने काट दिया, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहां पे, यदि प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/5 और प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1/5 और ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहां पे भी हम लिखेंगे हल, साथ में हमें जो दिया गया है
सबसे पहले वो लिखेंगे। लिखा है प्रोबेबिलिटी ए बराबर 3/5, मैंने ये ले लिया, और बी की भी वैल्यू दिया है तो ये हो गया 1/5, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ज्ञात करना है किसकी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। और इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है ये समझिए, इसका फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ए की वैल्यू 3/5 इंटू करेंगे, इसकी वैल्यू है 1/5, मैंने रख लिया, तो ये हो गया 3/5 × 25, तो ये हो गया 3/25 इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, माना ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ई बराबर है 3/5 और प्रोबेबिलिटी एफ बराबर है 3/10, दो मान हमें यहां पे दे दिया है, और हमें यहां पे प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 1/5। तब पूछ रहा है क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है। देखिए इस तरह से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मान दिया रहेगा और पूछेगा कि क्या वो दोनों स्वतंत्र है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों स्वतंत्र है, क्या ज्ञात करने का तरीका है, कौन से फॉर्मूला यूज करना है। चलिए इसमें हम बता देंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद जो जो दिया है वो लिखेंगे, लिखेंगे दिया है क्या प्रोबेबिलिटी ई बराबर 3/5 और एफ बराबर लिखा है 3/10, ये दो मान दिया है और एक यहां पे दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ इसकी वैल्यू है 1/5, ये दिया है। हमें ज्ञात करना है ई तथा एफ स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र कब होता है, स्वतंत्र होने का मैं कंडीशन बता देता हूं कि कब हुआ स्वतंत्र होता है, जब ई तथा एफ स्वतंत्र होंगे तब प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का मान अगर आपस में बराबर आता है तब उस कंडीशन में ई तथा एफ स्वतंत्र होंगे। इसका मान हम ज्ञात करेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे, दोनों का मान देखेंगे अगर बराबर आया है तब हमारा E तथा F स्वतंत्र होगा, अब इसका मान अगर बराबर नहीं आता है तब ये दोनों स्वतंत्र नहीं होगा। चलिए हम इसका वैल्यू रख कर ज्ञात कर लेते हैं कि क्या स्वतंत्र है। सबसे पहले इसको निकालेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए प्रोबेबिलिटी E की वैल्यू है 3/5, ये हो गया, इंटू करेंगे इसकी वैल्यू है 3/10, बराबर हो गया 3×3=9, 5×10=50, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 9/50 आ गया। इज इक्वल टू इधर निकालते हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1/5 दिया गया है, ठीक है, कितना दिया है 1/5, तो ये हो गया 1/5। क्या देखिए 9/50 1/5 के बराबर है, ये बराबर नहीं है, जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं होंगे, आपको अगला लाइन लिखना पड़ेगा, अतः ई तथा एफ स्वतंत्र नहीं है, इतना आपको लिख देना है, आपको पूरे एक अंक दे दिए जाएंगे। एक एक अंक आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि एक एक अंक के टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आपके पूरे देखा जाए तो 2% बनेंगे, ठीक। इसके आगे की जो वीडियो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी भाग 2 के लिए, तो भाग 2 अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।